मेडिकल प्रोफेशनल्स रूटीनली चेक करते हैं पेशेंट्स के वाइटल्स को क्योंकि वो इनसाइट प्रोवाइड करते हैं बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस के बारे में वाइटल्स की हैं जो अनलॉक करते हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली यूज करते हैं हासा दैट स्टैंड्स फॉर हाइड्रेशन एक्टिवेशन स्लीप एंड एपेटाइट जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस को लिंक करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के साथ ये फोर एलिमेंट्स क्रिटिकल हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं चेंजेस इन एनी ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारी ब्रेन एक्टिविटी को जो हमारे मूड एटीट्यूड और हमारी एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है जैसे कि हमारी बॉडी जब सिख होती है हमें फीवर होता है तो हमारे मूड में भी ओवरऑल चेंजेस आ जाते हैं आइए इन चार एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है नंबर वन है हाइड्रेशन वाटर ही हमारी बॉडी को स्मूथली रन करता है सेवेंटी टू एटी परसेंट हमारा ब्रेन पानी से ही बना हुआ है चेंजेस इन ब्रेन ड्यू टू वाटर लेवल कैन ट्रिगर हेडेक एक फिटीक मेमरी चेंजेस मूथ स्विंग्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी को स्ट्रेस में ले जाती है इसलिए हमें इंश्योर करना होगा कि हम प्लेंटी इन टेक ऑफ वाटर डेली बेसिस में अपनी बॉडी को देते हैं बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च कहती है कि जब एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसके ब्लड का फ्लो भी उसके ऑर्गन्स और उसके मसल्स में कम हो जाता है उसके मसल्स कम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उसकी पेन्स बढ़ जाती हैं। ब्रेन की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं रादर सोशल एक्टिविटी अपनी फैमिली की टेक केयर करना अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना, अपनी और अपनी हॉबीज़ और सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज को भी इंकरेज करना एक्टिवेशन के अंडर ही आता है ऐसा करने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स नेचुरल वे से ही रिलीज होते हैं साउंड स्लीप के बेनिफिट्स लाइफ चेंजिंग है स्लीप एंड मेंटल हेल्थ गो इन हैंड इन हैंड अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन लोगों में अक्सर स्लीप स्लीपेस भी पाई जाती हैं लो मोटिवेशन इम्पलिविटी मूडलीनेस सब रिलेटेड है हमारी पोअर स्लीप के कारण ही ड्यूरिंग स्लीप हमारा ब्रेन रिजेट होता है हमारी न्यू लर्निंग्स को हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ मिक्स एंड मैच करता है जो अल्टीमेटली हमारे मेटाबोलिज्म और हमारे मूड को भी इफेक्ट करता है सो so, एक साउंड स्लीप अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एंड द लास्ट एलिमेंट इज एपेटाइट यानी खाने के डिजायर जो हमारे हंग्री सिग्नल्स हमारे सोशल और एनवायरमेंटल क्यूज से आती है रिड्यूस्ड एपेटाइट साइन होती है एंजाइटी डिप्रेशन ग्रीफ या किसी भी ईटिंग डिसऑर्डर के फूड एंड मूड आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं क्योंकि वो हमारे कोपिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है सो हेल्दी ऑफ प्लांट्स डेली रूटीन सो हैसा इज अ क्विक स्ट्राटेजी जिससे आप अपने माइंड और बॉडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग well को चेक करने के लिए लेट्स फॉलो डेली हैसा चेकअप थैंक यू